वेलकम बैक गाइज, आपका स्वागत है मेरे को नई वीडियो में। और मैं आज लेके आया हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल 4 BHK फर्निश्ड विला जो सेल पे है। तो बने रहिए, आपको सारी डिटेल्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। विला की एंट्री करते ही आपको एक पार्किंग स्पेस मिल रही है, देख सकते हैं काफ़ी लंबी पार्किंग स्पेस है। यहाँ पे आपकी 2-व्हीलर 4-व्हीलर वगैरह आराम से पार्क हो जाएगी। एंड यहाँ पे ट्री प्लांटेशन करके ग्रीनरी भी मेंटेन की गई है। एंड घर की एंट्री करते ही आप देख सकते हैं एक विस्टिबुल एरिया मिल रहा है आपको, जहाँ पे आप शू रैक वगैरह बनवाया गया है। ये इसका ब्यूटीफुल लिविंग एरिया है, देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस एंड काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड लिविंग एरिया मिल रहा है। देख सकते हैं 3 बड़े बड़े सोफा आराम से फिट हो चुके हैं। एंड इस साइड आपको टीवी पैनल एरिया भी मिल रहा है। एंड ये इसका डाइनिंग एरिया है, देख सकते हैं आराम से 5 से 6 लोग एक साथ डिनर कर सकते हैं, इतनी स्पेस मिल रही है आपको। एंड ये इसका बहुत ही बड़ा मॉडर्न मॉड्यूलर किचन एरिया है, देख सकते हैं बहुत ही बड़ा आई-शेप प्लेटफॉर्म आपको दोनों साइड मिल रहा है। देख सकते हैं किचन का सारा सामान आराम से फिट हो चुका है, फ्रिज ओवन सारी चीज़ें आराम से फिट हो चुकी है। एंड पीछे की साइड भी आप देख सकते हैं बहुत सारे कबर्ड्स एंड वार्डरोब्स मिल रहे हैं। एंड ये इसका वॉश एरिया है एंड बैक साइड एरिया भी है, देख पा रहे हैं बैक साइड एरिया भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेस मिल रही है आपको। एंड बैक साइड एरिया में भी आपको एक कॉमन बाथरूम मिल रहा है। एंड यहाँ पे आपको एक वॉश बेसिन मिल रही है। एंड ये इसका कॉमन बाथरूम है जिसमें आपको एक वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट और एक सेपरेट बाथिंग स्पेस मिल रही है। एंड ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको आपका फर्स्ट बेडरूम मिल रहा है, देख पा रहे हैं ये बेडरूम भी बहुत ही बड़ा एंड ब्यूटीफुल है। इस साइड आपको बहुत सारे फर्नीचर एंड वार्डरोब्स मिल रहे हैं। जितना भी इंटीरियर डिज़ाइन देख रहे हैं एंड फर्नीचर देख रहे हैं, सारी चीज़ें आपको परचेज के साथ ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए अपस्टेयर्स चलते हैं। एंड ये इसका सेकंड बेडरूम है एंड ये इसका मास्टर बेडरूम भी है, क्योंकि इसमें बालकनी एंड एक अटैच बाथरूम भी मिल रहा है आपको। साइड आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल स्टडी एरिया बनाया गया है, रूम की लाइटिंग वगैरह भी बहुत ही परफेक्ट है। एंड इस रूम के साथ आपको एक बहुत ही बड़ा अटैच बाथरूम में मिल रहा है, बाथरूम इतना स्पेशियस है कि वार्डरोब्स एंड कबर्ड्स ऑलरेडी फिट है अंदर। एंड इस बाथरूम में आपको एक सेपरेट बाथिंग स्पेस मिल रही है, एक वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट और एक वॉश बेसिन प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड इस रूम के साथ आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एक सिटिंग अटैच बालकनी भी मिल रही है, यहाँ से आप सोसाइटी का व्यू ले सकते हैं
फ्रेश एयर और डायरेक्ट सनलाइट का फ़ायदा ले सकते हैं। इन दोनों रूम के बीच में आपको जो एक्स्ट्रा स्पेस मिल रही है वो पूजा एरिया है। देख सकते हैं ये एरिया भी काफ़ी बड़ा बनाया गया है। एंड ये इसका थर्ड बेडरूम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सारे बेडरूम बहुत ही बड़े एंड स्पेशियस है। इस रूम में भी आपको वार्डरोब्स मिल रहे हैं एंड आप इस रूम की इंटीरियर लाइट्स भी देख सकते हैं, काफी अट्रैक्टिव लग रही है। एंड इस रूम के साथ भी आपको बहुत ही बड़ा अटैच बाथरूम मिल रहा है। इस साइड आपको कबर्ड्स एंड वार्डरोब्स मिल रहे हैं एंड इसमें आपको एक वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट, एक सेपरेट बाथिंग स्पेस और एक वॉश बेसिन प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड इस रूम के साथ भी आपको एक अटैच बालकनी मिल रही है जहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्ट सनलाइट आ रही है घर में, जिसकी वजह से विजिबिलिटी और वेंटिलेशन घर में एकदम परफेक्ट है। चलिए अब स्टेयर्स चलते हैं। एंड ये इसका फोर्थ एंड लास्ट बेडरूम है। देख सकते हैं ये बेडरूम भी नीचे वाले बेडरूम जितना ही स्पेशियस है। एंड इसमें भी आपको कबर्ड्स एंड वार्डरोब्स मिल रहे हैं एज अ फर्नीचर, यहाँ पे इस रूम का सारा सामान आ जाएगा। एंड इस रूम के साथ भी आपको एक अटैच बाथरूम मिल रहा है जिसमें आपको एक सेपरेट बाथिंग स्पेस, एक वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट और एक वॉश बेसिन प्रोवाइड किया गया है। एंड इस रूम के साथ भी आपको एक अटैच बालकनी मिल रही है जिसमें आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है एंड डायरेक्ट सनलाइट का भी आप फायदा ले पाएंगे। एंड ये इसका फर्स्ट ओपन टेरेस एरिया है। देख सकते हैं यहाँ से भी आप पूरी सोसाइटी का, सिटी का व्यू ले सकते हैं। यहाँ पे आप फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फेस्टिवल वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। एंड ये इसका सेकंड ओपन टेरेस एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलर पैनल वगैरह लगाई गई है। ये ब्यूटीफुल 4 BHK विला PDPU रोड रायसन के पास में है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको मिलूंगा एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।